खानपुर जिला प्रशासन ने हाईटेक ड्रोन बनवाया है। अब यह ड्रोन आपदा के समय मेडिकल किट, भोजन सामग्री सहित लोगों की सहायता करेगा, तो वही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने में मदद करेगा। अब अतिक्रमणकारियों के जिले में खैर नहीं है। इस ड्रोन के माध्यम से अतिक्रमणकारियों पर भी नज़र रखी जाएगी। यह नाइट विजन ड्रोन है जो नाइट में भी नज़र बनाकर रख सकता है, जिसके लिए जिले में होने वाली गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाएगी। इस हाईटेक ड्रोन का वजन 16 किलोग्राम है, जिसकी सामान उठाने की क्षमता 8 से 10 किलो की है। इसका फ्लाइट टाइमिंग 45 मिनट प्लस है। इस ड्रोन में BLDC मोटर इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 बैटरी लगी है, जिसकी क्षमता 16,000 mAh है। बैटरी फास्ट चार्जिंग है, जो 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। इस अत्याधुनिक ड्रोन को 4 से 6 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें RGB नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन में लगे कैमरे में 10x जूम की सुविधा है, जिसके माध्यम से पिन पॉइंट एक्शन भी लिया जा सकता है। इस ड्रोन की कीमत 15 लाख रुपये है। इस ड्रोन को इंदौर की सोरिंग एरोनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ललित नागापुरकर और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। यह ड्रोन एक साथ 6 आंसू गैस छोड़ सकता है, जो जटिल और संवेदनशील परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करेगा। जी, ये जो हमने ड्रोन बुलाया है, इसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं। ये 6 ब्लेड से चलता है। ये 16 kg का ड्रोन है, कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है। इसमें मोटर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से ड्रॉप का पेलोड ड्रॉप करने का ऑप्शन है। ये जो ड्रोन है, ये हमने इंदौर से सोर्स आउट किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की फंड से इसकी अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर की थी, और सोरिंग एरोटिक्स करके एक एजेंसी है जिनने हमें सप्लाई किया है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये आपदा, बाढ़ आपदा में या किसी प्रकार की आपदा में एवं वन अतिक्रमण के खिलाफ भी लड़ाई करने में ये बहुत अच्छा रह सकता है। इसमें पेलोड ड्रॉप करने की फैसिलिटी में फूड स्टफ, मेडिसिन, वाटर, और आज हमने जो टेस्ट किया है कि गैस शेल भी कैसे पुलिस की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉप किया जा सकता है। इसमें गैस शेल, स्टन ग्रेनेड, रबर पैलेट सभी प्रकार के हम ड्रॉप कर सकते हैं, और खासकर वन अतिक्रमण क्षेत्र में जहाँ पर विद इन लाइन ऑफ साइट बट आउटसाइड एरिया हमको ऑपरेट करना पड़ता है, तो कम ह्यूमन लॉस के साथ, कम ह्यूमन इंजरी के साथ हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, इस ड्रोन से सा फ़ायदा होता है। इसकी 4 से 6 किलोमीटर की रेंज है, 45 मिनट्स की इसकी फ़्लाइट टाइम है। जो कैमरा है, ये नाइट विजन कैमरा भी है और थर्मल रेंज भी रखता है, तो इसको हम रात में, दिन में कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ साथ में इसकी, क्योंकि 4 से 6 किलोमीटर की रेंज है, तो इसको सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नॉट जस्ट चुनाव के लिए, किसी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भी हम भीड़ में इसको लेकर आंसू गैस ड्रॉप कर सकते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आंसू गैस ड्रॉप करने के लिए आपको विद इन लाइन ऑफ साइट और पास में रहना पड़ता है। इस ड्रोन के आने के बाद हम भीड़ के बीच में जाकर भी आंसू गैस ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।